आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक क्वेश्चन हमारे पास, एक क्रेन लिफ्ट सेट 650 kg बीम वर्टिकली अपवर्ड 23 मीटर एंड देन स्विंग इट ईस्टवर्ड 18 मीटर। मतलब बोल रहा है एक क्रेन है, ब्लॉक है या बीम जो भी बोलो, 650 kg इसका वेट दिया हुआ है, इसको 23 मीटर ऊपर उठाया गया और फिर ईस्टवर्ड की तरफ स्विंग कर दिया गया 18 मीटर। तो हाउ मच वर्क डज द क्रेन डू, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन एंड एज्यूम द बीम मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ये हमें दे दिया कंडीशन कि बीम का स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट लेकर चलना है, ये मान के चलना है कि बीम के स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब यहाँ से यहाँ इसको उठाया गया तो वर्क कौन कौन करेगा, एक क्रेन वर्क करेगा और ग्रेविटी वर्क करेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम देखें, वर्क डन बाय क्रेन निकालना है प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्पीड तो उसे कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है। तो वर्क डन बाय क्रेन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, माइनस एम जी 10, एच कितना 23 इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाय क्रेन आ गया 650 इंटू 10 इंटू 23, तो आ गया 6500 इंटू 23। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना जूल ये वर्क किया यहाँ से यहाँ ले जाने में और यहाँ से यहाँ तक फिर स्विंग किया। तो इस स्विंग के दौरान तो ग्रेविटी कितना वर्क किया, जीरो, क्योंकि ग्रेविटी के वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटी लग रहा है, वर्टिकली डायरेक्शन में लग रहा है और वर्टिकली डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और क्रेन कितना वर्क करेगा, जीरो, क्योंकि क्रेन अगर यहाँ से यहाँ तक ले गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो क्रेन का भी वर्क डन जीरो है। तो नेट वर्क जो क्रेन करेगा यहाँ से यहाँ तक ही करेगा, जो कि इतना हम निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, इतना जूल के बराबर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।